नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कल न्यूयॉर्क सेशन में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे और आज एशियन बाजारों में उसके ऊपर और खरीदारी होती हुई नजर आई। अच्छी खासी तेजी के साथ सोने में इस बार इस साल तक करीबन 22% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है और अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो सोने में 15% की तेजी है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भारतीय बाजारों में हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कट की वजह से ये इम्पैक्ट देखा है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 5 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते कच्चे तेल में अब तक यहां पर 2% की तेजी है। काफी हद तक गल्फ ऑफ मेक्सिको में जिस तरह से काम ठप है, 50 से 60 बैरल प्रतिदिन की वहां पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, उसका फायदा कच्चे तेल को आता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मौसम की। अब तक मानसून की बात की जाए तो ये 8% अबव नॉर्मल है। सितंबर का महीना कैसा रह सकता है, लानीना को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट क्या है और भारत में वाटर रिजर्वॉयर्स के क्या लेवल्स हैं, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, अम्रपाली गुजरात के CEO चिराग ठक्कर, कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह और एमिरेट्स NBD के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी GP शर्मा, लेकिन शुरुआत सोने के करेंगे। एंड चिराग, जिस तरह की तेजी ओवरनाइट यहां पर देखने को मिली है, क्या लगता है आपको, सभी एसेट क्लासेस में यहां पर बढ़त है लेकिन गोल्ड में जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग है, क्या इंपैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप यहां से? अब जी बिल्कुल, और ये देखिए मनीषा, ये काफी टाइम से ये चीजें चलती आ रही है। जब हमने देखा है कि सारे एसेट क्लासेस में एक बुल रन आया हुआ है और हमने कंसिस्टेंटली ग्लोबल इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज और सोने में भी एक ऊपर की एक चाल देखी है। अब देखिए, कल का थोड़ा मूव तो जरूर सरप्राइजिंग था, बट एक चीज अब यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है। पहली है कि शायद US इकोनॉमी में एक कंसर्न है टैक्सलेशन का। तो जब जब ऐसा एक सिनेरियो आता है कि जब टैक्सलेशन कंसर्न आ जाते हैं तो गोल्ड को एक जरूर एक सपोर्ट मिलता है। और दूसरी बात अब ये हो रही है कि शायद जो पहला रेट कट होगा वो शायद 50 basis points हो सकता है और फेड अपने अगले 2 या 3 मीटिंग में एक अग्रेसिव स्टांस ले सकता है। तो स्ट्रीट अब 100 to 125 basis points और कुछ कुछ लोग उससे भी ज्यादा इसको प्राइसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो पिछले 1-2 महीने में गोल्ड को मैं कहूंगा इन्फ्लुएंस कर रही। ओके चिराग, 2560-2565 के लेवल्स हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिए हैं, अब यहां से मेटल फोकस का नेक्स्ट टारगेट सोने में क्या है? ठीक है, हमारा व्यू पॉइंट रहा है कि गोल्ड में 2650 से 2700 के बीच के लेवल तो आपको एंड ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकते हैं। तो हम अभी भी बरकरार है इस व्यू को लेके। हमारा लास्ट 2-3 दिन में जो बड़ी तेजी आई उससे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। अभी भी 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, एक है फिजिकल बाइंग काफी हद तक अच्छी रही है। OTC में भी जो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स है, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उनका एक रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक हालांकि परचेज स्लो हुई है बट वो अभी भी एलिवेटेड है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है अभी भी उसका प्रीमियम गोल्ड में बरकरार है। एब्सोल्युटली, और जैसे आपने कहा अच्छा खासा प्रीमियम है, 2650 और $2700 प्रति आउंस तक यहां पर सोना जा सकता है। लेकिन चिराग, सिर्फ सोने में नहीं, चांदी में भी तेजी आई है। ओवरनाइट 4% के गेन्स यहां पर हैं। साल के अंत तक अब आपको क्या लगता है चांदी कहां जाएगी और इंडियन इम्पोर्ट्स कैसे रह सकते हैं? आप देखिए, सिल्वर में सबसे पहली चीज, अगर मैं इंडियन डोमेस्टिक डिमांड की बात करूं तो इंडिया में ये हमारा अनुमान ये है कि जो अगस्त के महीने में करीबन 1000 टन की इंपोर्ट्स आए होंगे, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन हमें देखने को मिला था जो ड्यूटी कट हुई थी उसको लेके कंज्यूमर लेवल पे, स्पेशली जो सिल्वर वेयर के कंज्यूमर्स है और जो काफी इन्वेस्टमेंट के जो भी है इन्वेस्टर्स है जो साइडलाइंस में बैठे थे, उन्होंने भी सिल्वर की काफी हद तक बाइंग में इजाफा देखा था। हमारा मानना है कि अगले 2 या 3 महीनों में एक कंसिस्टेंटली 600 से 700 टन का शायद इंपोर्ट्स हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो मेटल फोकस का मानना है कि सिल्वर के दाम फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर 2025 में करीबन $34 से $35 ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ से
अभी भी एक 15% की अपसाइड सिल्वर में अभी भी पॉसिबल है। ऑलराइट, तो सोने चांदी दोनों में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। चिराग, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे आपने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स HNIs यहां पर काफी हद तक इन्वेस्टेड हैं, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स तो अब यहां पर है नहीं, तो आप कहेंगे डिजिटल गोल्ड, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, अगर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड को उस तौर से देखें तो अब ये प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक ETF में ऑलरेडी मलेशिया काफी अच्छी पिकअप हुई है पिछले 6 महीनों में, हमने देखा है कि ETF में एक वापस फ्लोज आया हुआ है। और जैसे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है, और हमने देखा था कि पिछले 7-8 सालों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प निकल के आया हुआ, तो अब ये जो पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा रहा था वो हमारा मानना है कि वापस फिजिकल मार्केट में आएगा। तो फिर से आप देखेंगे कि कॉइन्स और बार्स की जो डिमांड है स्पेशली जो मिड लेवल इन्वेस्टर्स है उनसे बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, तो तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिलेगी ही, और क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल तौर पर यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आएगी, चाहे वो बार्स हैं या कॉइन्स हैं। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सोने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कॉलिन, आपको यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन में, और जिस तरह से वॉलेटिलिटी है और सडनली सोने में जो $40-50 की तेजी ओवरनाइट हमने आते हुए देखी, आप कहेंगे उसका कुछ बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर इमीडिएट फेस्टिवल बाइंग पे पड़ेगा? इमीडिएट फेस्टिवल बाइंग में देखो, अपना जो कंज्यूमर है हिंदुस्तान में वो प्राइस सेंसिटिव बहुत है, और जब भी ऐसे सडन स्पाइक आता है प्राइस में तो वो वीकेंड और अगले 1-2 वीकेंड के लिए थोड़ा सॉफ्टनेस बाजार में जरूर आता है। एक बार कंज्यूमर को लगता है कि नहीं अब ये रेट स्टेबल है और अभी कम नहीं होगा और इससे बढ़ेगा, तो फिर वापस खरीदारी चालू होती है। तो सीजन आई थिंक अभी थोड़ा टाइम है दिवाली को, सो आई थिंक तब तक शायद स्टेबल हो जाएगा और डिमांड में बहुत फर्क नहीं आना चाहिए, मगर अगले 7-10 दिन के लिए थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। कॉलिन, अगर ये तेजी नहीं आती तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड कॉन्स्टेंटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहती, लेकिन ये एक और ऐसा साल है जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्राइसेस हैं, ऑल टाइम हाईस की एक्सपेक्टेशन यहाँ से आगे जाते हुए भी है। पिछले हफ्ते मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 10-15 डॉलर का एक डिस्काउंट है इंडियन मार्केट्स में गोल्ड को लेकर, क्या वो भी हम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा। अब एक बड़ी इवेंट हुई है, सो फेड इज गोइंग टू रिड्यूस रेट्स, और जैसे चिराग ने भी पहले बताया कि 1-2 और रिडक्शन आएंगे। अब जैसे ही रिडक्शन आएंगे और 2500 का लेवल एक बार, ये 3 बार लेवल तोड़ के वापस गया है गोल्ड, अब ये तीसरी बार हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद वापस नहीं जाएगा, राइट? एज पर मेनी एनालिस्ट लग रहा है कि ये बुल रन वापस एक नया चालू हुआ। ओके, और जैसे थोड़े टाइम पहले भी बात कर रहे थे कि अब 2700 और 3000 लेवल तक जाएगा एक साल में, वैसे अभी और लग रहा है जैसे जैसे फेड कटेगा सो इंटरेस्ट रेट कम होगा, देन पीपल विल इन्वेस्ट गोल्ड में मोर मनी, और चाइनीज इकोनॉमी भी सॉफ्टी है, इट्स नॉट रियली डूइंग सो वेल, तो वहां भी सोने की फिजिकल में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। सो चाइना में हो रही है, इंडिया में हो रही है, US में फेड काटा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कंटिन्यूड रह रहे हैं, सो कोई कारण नहीं है कि गोल्ड अब वापस नीचे के लेवल पे जाए। और जैसे अपना कंज्यूमर आई थिंक अगले 2-3 महीने में देखेगा स्टेबिलिटी, आई थिंक बहुत बड़ा बाइंग वापस आ जाएगा। कॉलिन, आप क्या एडवाइस देंगे यहाँ पर खरीदारों को, क्योंकि फेस्टिवल्स में लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग डेफिनेटली खरीदना चाहेंगे, आगे जाके शादियां भी हैं, तो जिस तरह का अनसर्टन सा माहौल है कि प्राइसेस यहाँ से सडनली बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्या कुछ स्टेबिलिटी आए, बहुत सारे लोग असमंजस में होंगे। मेरी राय एक ही रहेगी कि सोना हमेशा, अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी देखूँ तो एक सेफ हेवन रहा ही है, और अगर 2-3 महीने कभी नीचे भी जाता है तो वापस ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है। ये लेवल से ऐसा आज की तारीख में स्पेशली विद फेड कट कमिंग अप लग नहीं रहा है कि वापस कोई करेक्शन आएगा, कि वापस 2300-2400 के लेवल पे नहीं जाएगा, ऐसा लगता नहीं है आज की तारीख में। और मैं कंज्यूमर को बोलूं तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू बाय।
कॉलिन ऑल्सो जस्ट यू नो हमने ऑफकोर्स बीच में काफ़ी सारे ट्रेंड्स देखे थे कि लोग स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी ले रहे थे, डायमंड का बीच में चलन चला है, लेकिन जिस तरह से गोल्ड ने सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि अगर हम इस साल में अब तक देखें तो सेंसेक्स निफ्टी ने आपको 15-18% रिटर्न्स दिए हैं, सोने चांदी ने उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट तौर के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी सॉलिड रहा है। तो क्या सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड हम वापस बहुत स्ट्रांगली वापस आता हुआ देखेंगे? सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी की हमेशा डिमांड स्ट्रॉन्ग ही रही है मनीषा, सो यू नो इट्स नॉट के वो कभी चला गया, ऐसे भी दूसरी सब कैटेगरीज आज भी हिंदुस्तान में 20-25% ऑफ बिजनेस है, 75% जो इंडस्ट्री बिजनेस है वो प्लेन गोल्ड ही है, सो वो वैसे ही रहेगा आई थिंक इवन गोइंग फॉरवर्ड। और यू नो बाकी की कैटेगरीज जो अपना ग्रोथ एक ले रही है वो लेगी। फेयर पॉइंट दैट, तो सोने की खरीदारी का यह सही मौका है, तेजी और यहां पर बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी है, गोल्डमैन सैक्स है, सभी का मानना है कि $2,700 से $3,000 पर आउंस तक के लेवल्स आपको अगले साल में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 2024 ही नहीं 2025, 26, 27 तक भी सोने में यहाँ पर बुल रन जारी रह सकता है, उसके बाद की ऑफकोर्स हमने लेवल्स थोड़े से यहाँ पर नीचे आते हुए देखे हैं। ये तो बात हुई सोने की, चिराग ठक्कर आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे, और जैसे मेटल फोकस से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा $3,435 पर आउंस फर्स्ट हाफ 2025 में यहां पर देखने को मिलेगा, तो तेजी यहां पर भी है, ओवरनाइट 4% की बढ़त चांदी में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप प्राइस और उसका इंपैक्ट खरीदारी पर? चिराग आप म्यूट पर हैं। So if you see last 6 महीने से silver is purely following gold का movement and gold is completely following all the fundamental news coming into the market. जैसे Fed rate cut आ रहा है, जैसे Fed rate cut already discount हो चुका था last 2 महीने तक, now तब वो time पे ऐसा था कि उसको 25 पैसा तक का expectation आ रहा था सभी से कि 25 पैसा cut होगा, now we are at 50 basis point. तो इफ यू सी लास्ट 2 मंथ्स देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन मोड, तो कंसोलिडेशन मोड में अभी टेक्निकली भी अगर देखें तो इट इज एट अ राइट लेवल जहां से और अप मूव हम देख सकते हैं, तो आई एम श्योर सिल्वर इज गोइंग टू फॉलो गोल्ड्स मूव वेरी 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 शार्पली। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर मेटल की काफी ग्रो कर रही है ग्लोबली, तो आई थिंक सिल्वर हैज अ हायर पोटेंशियल टू गो अपसाइड, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे सिल्वर। चिराग, किस तरह के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, आपकी क्या कैलकुलेशंस है डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में? आई थिंक इन रुपी टर्म्स आई एम एंटीसिपेटिंग टू टारगेट 6 digits ऑब्वियसली 100,000। एट द सेम टाइम अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो 32.5, 32.75 विल बी अ लेवल wherein there will be some pressure of selling coming in, क्योंकि हमने 32.5, 32.75 हमने 3 महीने पहले already वो price हम देख चुके हैं, तो I think वहाँ पे consolidation mode आएगा, but at the outest I see a target of 34.5, 35 target for the international market. ओके, एंड इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं आप, क्योंकि अगस्त का महीना काफी बेहतरीन था, 1,000 टन का इंपोर्ट आता हुआ नजर आया, सितंबर में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, और कोई कैलकुलेशन है कि आगे फेस्टिवल सीजन में बाकी के साल में किस तरह के इंपोर्ट्स होंगे? सो लास्ट 2 मंथ्स वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छे से फिजिकल डिमांड थी मार्केट में, चाहे वो ज्वेलर की डिमांड हो, चाहे फेब्रिकेटेड डिमांड हो, चाहे इन्वेस्टर की डिमांड हो, तो ये प्राइस लेवल्स पे अभी कोई फिजिकल डिमांड नेक्स्ट 5-10 दिन के लिए मैं नहीं देखता हूँ, बट एट द सेम टाइम जब ये प्राइस सेटल हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि अब यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट मोमेंट कि ये टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है, एट द सेम टाइम फेस्टिव सीजन बहुत आगे है, और जैसे ही देखेंगे अगर फेस्टिव सीजन में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आया तो फिजिकल डिमांड बहुत स्काई रॉकेट हो सकती है इसके अंदर। चिराग, लास्ट ईयर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे, इस साल के टोटल इंपोर्ट्स क्या लगते हैं? आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, वी विल बी मेंटेनिंग द एवरेज ऑफ 6,800-7,500 टन ऑन सिल्वर साइड, मे बी अब ये ड्यूटी कट आया है तो शायद हम 8,000 टन एक बार देख सकते हैं अगर प्राइसेस ने सपोर्ट और डिमांड ने सपोर्ट किया तो।
राइट तो सोने चांदी में अच्छा खासा ग्लिटर फिलहाल हम बनता हुआ यहां पर देख रहे हैं। जिस तरह की तेजी न्यूयॉर्क सेशन में थी, एशिया ने उसमें बेचा नहीं है, एशिया ने और खरीदा है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यूरोप इस वक्त यहां पर खुलने के बाद क्या करता है। ऑफकोर्स जो रेट कट्स हैं वो शायद फैक्टर इन हो चुके हैं। इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स एक डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ द ड्यूटी कट। एक बार प्राइस स्टेबलाइज हो जाए तो अच्छी खासी खरीदारी की उम्मीद यहां पर भी सोने और चांदी में। बहुत शुक्रिया आपका कॉल इन एंड चिराग साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे मौसम की और लेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। धर्मेश, जिस तरह से सोने की बातचीत हो रही है और सभी लोग यहाँ पर काफी बुलिश हैं कि हम यहाँ पर आगे जाके 2700 सोने में देख सकते हैं, $35 चांदी में अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं। आप अगर अगले 6-12 महीने की बात की जाए तो किस तरह के टारगेट्स लगाएंगे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे? देखिए, सोने और चांदी की बात की तो सोना नो डाउट एक तरफा मूव कर रहा है। अगेन रेट कट्स की बात हुई, कल शाम को जैसे रेट कट हुआ मार्केट में एक अच्छी तेजी दिखा चुका है प्राइस और मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। बट रही चांदी की बात, तो चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आ रहा है, तो चांदी की क्षमता सोने से ज्यादा है। अगर ये $30 के ऊपर अगर टिकता है महीने के ऊपर भी, तो मेरे हिसाब से $35 के लेवल आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1 लाख का जो स्तर है वो मार्केट आ सकता है। तो मैं दोनों में बुलिश हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी दोनों में बरकरार रहेगी। जिस तरह की बढ़त हमने इस हफ्ते मेटल्स में आते हुए देखी है, आपको लगता है ये आगे जाके जारी रह सकती है? चलो देखिए, मैं कॉपर की तरफ ज्यादा बेट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कॉपर में अभी भी काफी अच्छी फर्मनेस दिखने में प्राइस में, और प्राइस कंटिन्यूसली 800 के स्तर होल्ड कर रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी ऑलमोस्ट 405 से ऑलमोस्ट 422 के स्तर आपको कॉमेक्स में देखने मिले हैं, तो यहाँ पे फर्मनेस बरकरार रहेगी। और रुपया अगर लुढ़कता है तो ये तेजी 810 से 815 तक की तरफ जा सकती है, तो बाय साइड में रहूंगा मैं। ऑल राइट और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है, 5 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते 2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार, क्या ये सस्टेनेबल है? डेफिनेटली ये काफी सस्टेनेबल है क्योंकि सारे के सारे कमोडिटी मार्केट हरे निशान में है और ये उसे मूव कर रहा है, प्लस डॉलर में कमजोरी के कारण एक अच्छी खासी स्पाइक देखने मिली है। मैं सलाह दूंगा आगे के महीने में आप निवेश करके चले, शीघ्र ही आपको 6,000-6,100 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट तो सभी जगह यहाँ पर खरीदारी के मौके फिलहाल धर्मेश की तरफ से आते हुए, बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे वो सोना चांदी है, मेटल्स है, कच्चा तेल है, लॉन्ग पोजीशन बना के कारोबार करना है। अब बात आगे करते हैं और मानसून की तरफ जाते हैं। मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले तो मानसून पर एक सेंस लेना चाहेंगे, जहां पर 8 से 9% हम अबव नॉर्मल हैं, कैसे देखते हैं आप सितंबर का बाकी का महीना? मनीषा, सितंबर के महीने में अभी तक लगभग 20% के करीब वर्षा ज्यादा है सितंबर में, और एक सप्ताह और भी ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि एक और मानसून का सिस्टम डिप्रेशन येलो प्रेशर बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि चलेगा वो मध्य भारतीय भागों की तरफ से ही, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए हो सकता है राजस्थान तक भी पहुंचेगा। मानसून अच्छी चाल रही है लेकिन कुछ पॉकेट अभी भी ऐसी हैं जिनमें वर्षा कम रही है। पंजाब की बात करें, जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उनमें मौसम उसमें आज के दिन में भी लगभग 25% तक की कमी है, और वो कमी तो शायद अब हो सकता है जो पूर्वी भाग है, क्योंकि इस सिस्टम के कारण जिसका मैंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में अच्छी वर्षा होनी चाहिए अगले 2-3 दिनों में। और लेकिन पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं इनमें तो अब मानसून के करीब करीब वापस जाने का भी समय आ गया है, और एक सप्ताह बाद तक, तो इसलिए इसमें ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फेरबदल होने का चांस नहीं है। पर कुल मिला के तो मानसून लगभग जो पहले जून के महीने में काफी कम था, अब ठीक ठीक है, बहुत अच्छा है कई जगहों पर। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि लगातार 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर मानसून की चाल एक अच्छी रहे, और नहीं तो नहीं तो एक आध बार ब्रेक जरूर देखने को मिलता है, वो ब्रेक इस बार नहीं रहा। जी मिस्टर शर्मा, आज तो 20% अबव नॉर्मल हम सितंबर में हैं, ओवरऑल मॉनसून आप कहाँ खत्म होता हुआ देखते हैं एक, और दूसरा जो ये लानीना अब यहाँ पर माना जा रहा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर शायद सेट इन होता हुआ भी देखेंगे, आपको लगता है कि एक एक्सटेंडेड मॉनसून परहैप्स उसका एक इम्पैक्ट रह सकता है कि बारिशें यहाँ पर अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाएं? देखिए, जहाँ तक तो अभी सितंबर का सेकेंड हाफ जो होता है उसमें नॉर्मल वर्षा ही वैसे कम हो जाती है डेली, तो इसलिए जो आंकड़े एक बार मिड सितंबर तक बन जाते हैं उसमें ज्यादा फेर बदल लाना मुमकिन नहीं होता है, 1-8% ही ऊपर नीचे जाता है,
उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डेली रेनफॉल कहाँ 10 मिलीमीटर होता था पहले, आज के दिन में अभी और एक सप्ताह बात करें तो वो लगभग लगभग 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर तक भी आ जाएगा, इसलिए उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एक बड़ा फेरबदल कर सके। तो मानसून अबव नॉर्मल ही खत्म होना चाहिए और लगभग 108 तक तो रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1-8% का ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा रहेगा। जहां तक लानिना का सवाल है उसमें अभी काफी प्रश्न है। देखिए मानसून की अच्छी फोरकास्ट दी गई थी काफी सारी एजेंसियों द्वारा कि लानिना आ जाएगा और आईओडी भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए उसके चलते हमें एक अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। ना तो लानिना आया है और ला ही आईओडी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मानसून की चाल तो अच्छी रही है। इसका मतलब मानसून की अपनी ही एनर्जी, मैं कई बार उसका जिक्र करता हूँ, इंटरनल डायनेमिक बहुत है, हालांकि बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग आई विल से इवन एज ऑन डेट, अभी तक भी हम समझ नहीं पाए हैं उसके दम पे। मानसून अपने ही दम पे इतना चला है और काफी अच्छा रहा है, अबव नॉर्मल रहा है। लानीना अभी इतनी जल्दी आने का नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ और 6-8 हफ्ते निकल जाएंगे, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर भी क्रॉस करके हो सकता है पहला हाफ जो नवंबर का आ जाए। बाल लानीना के बारे में, एक तो लानीना का कोरिलेशन वेदर एक्टिविटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एलिनो का होता है, एलिनो मानसून खराब करता है और कर ही देता है, लानीना का किसी भी सीजन के साथ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है लानीना वीक है इस बार। तीसरी बात यह है कि लानीना जो होगा ट्रंकेटेड फॉर्म, शॉर्टेंड फॉर्म होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने। आप अगर अक्टूबर नवंबर में आता है, मार्च के बाद आप देखेंगे एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी, तो लंबा नहीं चलेगा, इसलिए लानीना का असर हमें कोई बहुत ज्यादा चाहे देखने को नहीं मिलेगा। वर्षा की करें, हार्श विंटर आने वाली है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता जी। ऑलराइट, पॉइंट टेकन एंड थैंक यू एजुकेशन के लिए भी मिस्टर शर्मा। तो क्लियरली जहाँ तक मानसून की बात है, ऑन इट्स ओन हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर होते हुए देखे हैं। जहाँ तक लानीना की बात है, जैसे मिस्टर शर्मा हमें बता रहे हैं कि अभी भी 4-6 हफ्ते लग सकते हैं आने में, और जब आएगा भी तो 3-1 महीने से ज़्यादा लंबा नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल इसका मानसून और वेदर पर नहीं दिखेगा। इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।